मेरे परिवारजनों, महामना जैसे व्यक्तित्व सदियों में एक बार जन्म लेते हैं और आने वाली कई सदियों तक हर पल हर समय उनसे प्रभावित होते हैं। भारत की कितनी ही पीढ़ियां पर महामना जी का ऋण है, वो शिक्षा और योग्यता में उस समय के बड़े से बड़े विद्वानों की बराबरी करते थे। वो आधुनिक सोच और सनातन संस्कारों के संगम थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में जितनी बड़ी भूमिका निभाई, उतना ही सक्रिय योगदान देश की आध्यात्मिक आत्मा को जगाने में भी दिया। उनकी एक दृष्टि अगर वर्तमान की चुनौतियों पर थी, तो दूसरी दृष्टि भविष्य निर्माण में लगी थी। महामना जिस भूमिका में रहे, उन्होंने नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम के संकल्प को सर्वोपरि रखा। वो देश के लिए बड़ी से बड़ी ताकत से टकराए, मुश्किल से मुश्किल माहौल में भी उन्होंने देश के लिए संभावनाओं के नए बीज बोए। महामना के ऐसे कितने ही योगदान हैं जो संपूर्ण वाङ्मय के 11 खंडों के जरिए अब प्रामाणिक रूप से सामने आएंगे। इसे मैं अपनी सरकार का सौभाग्य समझता हूं कि हमने उन्हें भारत रत्न दिया। और मेरे लिए तो महामना जी एक और वजह से बहुत खास है। उनकी तरह मुझे भी ईश्वर ने काशी की सेवा का मौका दिया है। और मेरा ये भी सौभाग्य है कि 2014 में चुनाव लड़ने के लिए मैंने जो नामांकन भरा, उसको प्रपोज करने वाले मालवीय जी के परिवार के सदस्य थे। महामना की काशी के प्रति अगाध आस्था थी। आज काशी विकास की नई ऊंचाइयों को छू रही है। अपनी विरासत के गौरव को पुनर्स्थापित कर रही है।